सब्सक्राइब कीजिए जाइंट टेक्नोलॉजी चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के अपडेट आप कभी मिस ना करें। दोस्तों इस वीडियो के उद्देश्य कोई गलत कामों को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो दोस्तों हम प्राइवेट नंबर से कैसे व्हाट्सएप खोलेंगे आपको फुल डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर, लेकिन मैं आज एक एप्लीकेशन से आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अब एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों आपको ये नंबर यूएसए का कंट्री कोड से लेना पड़ेगा, ये नंबर यूएसए का होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमें जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है उसका नाम है सेकंड लाइन। दोस्तों आपको इस सेकंड लाइन एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको ओपन करने के बाद कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करके हम अपने ईमेल आईडी से इसे कंटिन्यू करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी चॉइस करेंगे। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर अपना रैंडम एक कोई भी एक पासवर्ड बना सकते हैं यहाँ पर। तो मैं पहले अपना पासवर्ड बना देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, साइनअप पर क्लिक करना है। साइनअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटअप और नॉट नाउ लिखा पर आपको सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद अलाउ करना है, अलाउ। उसके बाद यहाँ पर अपना लोकेशन यूज़ करना है, यूज़ माई लोकेशन। बिना लोकेशन से भी आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले लोकेशन यूज़ करके कर लेता हूँ। लोकेशन अलाउ करना है, यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब बहुत सारा नंबर आ गया है, फ्री नंबर ये सब। अब इसमें से कोई भी एक नंबर चॉइस कर सकते हैं, मैं इसे चॉइस कर लेता हूँ। चॉइस करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये नंबर कुछ दिन के लिए मेरा हो गया है। दोस्तों आप यहाँ से किसी से भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इससे व्हाट्सएप बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा नंबर है इससे मैं एक बार क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। तो मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। ड्यूअल ऐप में बना दिया है मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप का। दोस्तों मैं यहाँ पर अपने नंबर को पेस्ट कर जो कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर अपना जो इंडिया को यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करूंगा, इंडिया नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट का है। तो मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ओके करूंगा। अभी वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ही आएगा ये ओटीपी, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पर तो अभी कोई कॉल हिस्ट्री में कोई नहीं आया कॉल और मैसेज। तो यहाँ पर थोड़ा इसका टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिसेंट एसएमएस और कॉल मी। तो हम रिसेंट एसएमएस पे क्लिक नहीं करेंगे, हम कॉल मी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कॉल मी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा एक फ़ोन आएगा यहाँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, कॉल को रिसीव करता हूँ। रिसीव करने के बाद यहाँ पर ओटीपी मिलेगा मुझे, मैं स्पीकर पे देता हूँ इसे। तो दोस्तों मुझे मेरा ये ओटीपी मिल गया है। तो मैं आप यहाँ पर जो ओटीपी मुझे मिला है मैं वहाँ पर जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। आपको शायद ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने व्हाट्सएप पे। यहाँ पर मैंने जो वेरीफाई का ओटीपी है वो मैंने डाल दिया है और इससे अभी वेरीफाई हो गया है। तो मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप बन गया, देख लीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अभी ऑल अलाउ अलाउ सब कुछ अलाउ करने के बाद यहाँ पर ये सब कैंसिल कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मेरा नाम लिखने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा फेसबुक प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन, फिशिंग कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो लिखने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरा व्हाट्सअप बन जाएगा, पूरा ही मेरा व्हाट्सअप बन गया है। दोस्तों मेरा जो अमेरिका यूएसए का नंबर है उससे मेरा मिल गया है मेरा व्हाट्सअप। तो अभी मैं किसी को भी चैट